और तिवारी जी महादेव आइए इधर आइए बैठिए। और कैसे उदास है मर्दे, क्या अयोध्या का निमंत्रण नहीं आया क्या? शुक्ला जी निमंत्रण तो आया है लेकिन लगता है इस बार रामलला के दर्शन हमको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा दर्शन? अरे भैया इस बार ट्रेन में सीटें नहीं मिल रहा है जाने के लिए, कैसे जाएं समझ ट्रेन नहीं मिल रहा है, हवाई जहाज से चले जाइए। शायद आप भूल गए, गरीब आदमी हवाई जहाज को सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देख सकता है, उसमें बैठने का उसका औकात नहीं होता है। अरे भैया तो बस पकड़ लीजिए इसे काम। बस का रेट इतना ज्यादा हाई है शुक्ला जी कि हम आपको कहाँ बताएं कि माल ने हमारा कमर तोड़ दिया। अरे तिवारी जी तो हम है ना परेशान हो रहे हैं। अरे आपसे उधार नहीं ले सकते, आपका वैसे ही इतना एहसान हमारे ऊपर है। उधार मत लीजिए लेकिन हमारे एक रिश्तेदार हैं वो टिकट उकट करते हैं, तो बोलिए उनसे बात करें, वो करवा देंगे। हाँ करवा देंगे, बात करिए ना फिर। एक मिनट बस। हेलो, हाँ ये तिवारी जी को थोड़ा टिकट करना था अयोध्या का। हाँ हाँ लीजिए बात कीजिए, हम थोड़ा पान खा के आ रहे हैं ना। हाँ भैया जी नमस्कार। चार टिकट चाहिए अयोध्या जाने के लिए। मिल जाएगा भैया। क्या पड़ेगा भैया उसका? 480 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चार बुक कर दीजिए भैया। भैया पूरा सुन लीजिए, 480 तो उस पर लगेगा लेकिन 980 रुपये और लगेगा उस पर। 980 किस लिए? भैया कोटा लगाना पड़ा ना, टिकट देखने मिल नहीं रहा इस टाइम। अरे भैया भगवान के नाम पे तो करप्शन ना करें भैया। जो आपके लिए करप्शन है वो हमारे बच्चों के स्कूल का फीस है भैया, कुछ कम कर दीजिए भैया। देखिए कम वम छोड़िए भैया, 150 कम दे दीजिएगा, शुक्ला जी की बात है और हमारे नाम पर जाके उसको अयोध्या में प्रसाद चढ़ा। बोलिए भैया, हम बताते हैं भैया शुक्ला।